हत्या से सनसनी सड़क जाम। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजा, जांच में जुटी पुलिस। बिहार क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद रहमतुल्ला। छातापुर थाना क्षेत्र के सिद्दीकी चौक के समीप आम बगीचे में एक युवक की लाश मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। मृत युवक की पहचान विकास कुमार सहनी रामपुर पंचायत के वार्ड 2 निवासी के रूप में हुई है। घर के नजदीक ही आम बगीचे में युवक की लाश मिली है। सुबह सवेरे लाश मिलने की खबर के बाद बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए हैं। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं सूचना पर स्थानीय थाना की पुलिस के अलावा त्रिवेणीगंज डीएसपी विपिन कुमार भी स्थल पर पहुंच घटना का जायजा लिया है और जामकर्ता को समझा बुझाकर जाम हटाया है। इधर चर्चा ये भी है कि युवक की प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है। खैर, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मृतक के चचेरे भाई साजन कुमार सहनी ने घटना की बाबत बताया कि देर रात बाइक पर सवार कुछ युवकों ने उसे भी उठा लिया, रात भर बांध कर रखा और काफी मारपीट की, सुबह उसे छोड़ा। बताया कि वो सभी बदमाश विकास को खोज रहा था और हथियार से लैस था। सुबह सवेरे जैसे ही विकास सहनी की लाश मिलने की सूचना उसे मिली, वो हतप्रभ रह गए। बताया कि वो और विकास सहनी के साथ ही रहते थे, बदमाशों ने विकास सहनी को मार दिया है और शव को बगीचे में फेंक दिया है। उन्होंने बताया कि बदमाशों को वो पहचानते भी हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुट गई है। घटना के बाद इलाके में तनातनी है। एक बगीचे में लाश बरामद हुआ है आपके पंचायत में, क्या कुछ मामला है? मामला हमको सुबह में सूचना मिली कि इस तरह की घटना घटी है, यहाँ पर एक लाश है जो मृत अवस्था में है। उस सूचना के तहत हम आए तो यहाँ बहुत सारे ग्रामीण इकट्ठा हो चुके थे उस समय तक, पुलिस प्रशासन भी आ गए थे। यहाँ पर लोगों में ये आक्रोश था कि उनका मर्डर किया गया है और मर्डर करके इसमें बगीचा में रख दिया गया है। अब तो यह जांच की विषय है और जांच होने पर इसका सही निराकरण निकल सकेगा कि दोषी है, मर्डर किया गया है अथवा नहीं। लेकिन यहां ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा था कि इसका मर्डर किया गया है। ग्रामीणों में ये भी चर्चा का विषय है कि प्रेम प्रसंग में ये ऐसा हुआ है? ऐसा अभी हमको नहीं है मालूम, अब पता करने पर पता करें। ऐसा तो अभी हम फिलहाल नहीं जान रहे हैं। एक लाश बरामद हुई है, क्या कुछ मामला है? देखिए, मामला क्या है इसको तो दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो बस स्थिति यहाँ देखने के बाद जो मालूम हो रही है और परिजनों का जो आरोप है कि अब यह पराजित हत्या है, अब विशेष जानकारी तो जांच के बाद ही पता लगेगा। हम लोग भी प्रशासन से ये मांग करते हैं कि त्वरित व निष्पक्ष जाँच हो और दोषियों की सख्त कार्रवाई। एक लाश बरामद हुआ है, क्या कुछ मामला है? मामला जो है वहाँ पर जो है लड़का लड़की का मामला था, उस पर जो है लड़का को मार दिया गया है, लेकिन पुलिस ने सबको बरामद किया है, सबने टीम लेकर के उसको भेज दिया है पोस्टमार्टम के लिए। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार सहनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।